दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम लेखक और उनके उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाल्मीकि जी की, जिन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है। आदि कवि शब्द का अर्थ होता है आदि अर्थात प्रथम और कवि अर्थात काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण ही वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। अब बात करते हैं सूरदास जी की, जिन्हें अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार्ग का जहाज, वात्सल्य रस सम्राट या खंजन नयन के नाम से जाना जाता है। यह वात्सल्य रस सम्राट ही इनका प्रमुख उपनाम है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य प्रधान भावों का बड़ी ही तन्मयता से प्रयोग किया है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की, जिन्हें मानस का हंस, कवि शिरोमणि, लोक गायक, हिंदी का जातीय कवि, गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी इनकी मुख्य उपाधि है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। श्री राम को समर्पित ग्रंथ श्री रामचरितमानस इनकी प्रमुख कृति है। अब बात करते हैं कालिदास जी की, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर उपनाम से संस्कृत के महाकवि कालिदास को जाना जाता है। शेक्सपियर उपनाम इंग्लैंड में जन्मे इंग्लिश कवि विलियम शेक्सपियर से प्रेरित है। अब आते हैं सरहपा, हिंदी का प्रथम कवि कहे जाने वाले सरहपा। सरहा या सरहपा या सद्य सरहपा, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनको बौद्ध धर्म की बज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इसके अलावा आदि सिद्ध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब बात करते हैं स्वयंभू, जो कि अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास के नाम से जाने जाते हैं। ज्ञात अपभ्रंश प्रबंध काव्यों में स्वयंभू की प्रथम रचनाएं ही सर्व प्राचीन, उत्कृष्ट और विशाल पाई गई हैं। इसलिए उन्हें अपभ्रंश का आदि महाकवि कहा जाता है। अब आते हैं अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद या हिंद के तोते के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही अपनी भाषा में हिंदवी का उल्लेख किया था। अमीर खुसरो हिंद के तोते के नाम से जाने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी ये इनका उपनाम है। जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था, इसलिए उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है। सैयद इब्राहिम, जिन्हें रस खान का उपनाम दिया गया है। रस खान अर्थात रस के खान, परंतु उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। उन्होंने अपना नाम रस खान केवल इस कारण रखा था ताकि वे इसका प्रयोग अपनी रचनाओं में कर सकें। केशव दास, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। सामान्यता ये सहृदय कवि नहीं माने जाते, अपनी कलिष्टता के कारण ही ये कवि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद्र, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, इस नाम से जाने जाते हैं धनपत राय। इनका प्रमुख प्रचलित उपनाम प्रेमचंद्र है। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद्र के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने लगभग 250 दर्जन उपन्यास और 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं। शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों के कवि, म्यूज के कवि, बात के कवि और कुलदीप सिंह के नाम से जाना जाता है। कवियों के कवि इनका प्रमुख उपनाम है। शमशेर अत्यंत जटिल काव्य संवेदन और सूक्ष्म शिल्प संभार वाले श्रेष्ठ और विशिष्ट कवि माने जाते हैं। कविता के सच को शब्दों के साथ स्वीकार करने वाले लोगों के लिए शमशेर कवियों के कवि ही माने जाते हैं। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, जिन्हें हालाबाद का प्रवर्तक और जनता के बीच का कवि कहा जाता है। हालाबाद के प्रवर्तक के रूप में हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हैं। हालाबाद जो कि जीवन की कठिनाइयों से मधुरपान कर मुक्ति की क्षणभंगुरता में विश्वास है, उसे आनंद और मस्ती से व्यतीत करने की भावना है। हालाबाद के प्रवर्तक महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कावित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला जी ने तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। हरीश चंद्र,
जिन्हें भारतेंदु, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता और रसक के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरीश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका मूल नाम तो हरीश्चंद्र था, किंतु भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतीय नवजागरण काल के अग्रदूत के रूप में यही जाने जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे लेखक और उनके उपनाम। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।